भगवान कृष्ण गीता में केवल दो शब्द कहने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उन दो शब्दों को नहीं समझ सकते हैं और इसलिए उन्हें पूरी गीता बनानी पड़ी। और गीता को समझने के लिए लोगों ने अनेकों भाष्य लिखे। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, असंख्यों में केवल एक ही गीता में जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रत्यक्ष अर्थ समझ पाएगा, और ऐसे हजारों लोगों में केवल एक ही सूक्ष्म अर्थ को समझ सकता है, और उनमें से कोई एक ही मैं जो कह रहा हूँ उसका सार समझ सकता है। अब समूचे विश्व के लोगों में से कौन यह समझने के योग्य होगा कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे थे। केवल वही जो उस पथ पे अग्रसर है या वो जो स्वयं कृष्ण बन चुका है। 26वां श्लोक, तत्र पश्यति स्थितान पार्थ पितृ नत पिता महान आचार्यन मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखी तथा श्वशुरा न सुहद्रश्चैव सेनयोरु भयोरपि। अर्थात वहां अर्जुन को दोनों सेनाओं में तैनात अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, ससुर और शुभचिंतक दिखाई दे रहे थे। Meaning, there Arjun could see stationed in both armies his father's, grandfather's, teachers, maternal uncles, brothers, cousins, sons, nephews, grandnephews, friends, father-in-law and well-wishers. Lord Krishna is trying to say only two words in the Gita. People cannot understand those two words, and that is why he had to create the whole Gita. And just to understand Gita, people have written several commentaries. Lord Krishna himself says, only one out of 1,000 people will understand the gross or the overt meaning of what I am saying in Gita. And out of 1,000 such people, only one can understand the subtle or finer meaning of what I am saying. And among the numerous, who would qualify to understand what Lord Krishna was saying? It will be only the one who has walked on that path, or who has become Krishna himself. Thank you.